तो भाइयों 30 मार्च को बहुत बड़ा दिन आ रहा है। तो भाइयों अभी आपको ये लग रहा होगा कि कौन सा दिन आ रहा है। तो भाइयों 30 मार्च को राजा पोरस, जो दुनिया के सबसे बड़े बादशाह योद्धाओं में उनका नाम आता है, प्रसिद्धि है उनकी, उनके वंशज राजा ऐश्वर्या कटोच जी का राज तिलक है। तो भाइयों वो 489th राजा बनेंगे। उनका जो राज तिलक है वो भारत के सबसे पुराने महल कांगड़ा महल में किया जाएगा। तो जितने भी इतिहास चोर हैं, इतिहास जो प्रजातियां हैं जो उनका इतिहास चुरा रही हैं, उन सभी को आमंत्रण देते हैं कि आइए आप देखिए कि कौन है असली वंशज और कैसे तुम डुप्लीकेट बनकर उनका इतिहास के साथ छेड़छाड़ कर रही हो। तो भाइयों 30 मार्च गुरुवार को सुबह 9 बजे से 12 बजे तक राज तिलक किया जाएगा। उसके बाद 12 बजे से 1 बजे बीजापुर के जो ठाकुर हैं उदय देव कटोच, उनके द्वारा उनका तिलक किया जाएगा। उसके बाद जो त्रिगाडा किंगडम है, क्योंकि उस वक्त पंजाब तो था नहीं, त्रिगाडा किंगडम था, तो त्रिगाडा दरबार नजराना होगा। आप जैसे कि आपको पता है कि त्रिगाडा किंगडम में 5 रियासतें अभी भी हैं जो कि 20वीं सदी तक रही, जिसमें आप देख सकते हो कि जो हिमाचल के कांगड़ा से लेकर ऊना से लेकर जो पंजाब का होशियारपुर जिले तक है, जो 5 हैं जिसमें कटोचों की सब क्लास बनी हुई हैं, जैसे सिब्बा में सिब्बियों की, जसवान में जसवालों की, गुलेर में गुलेरियों की, दत्तरपुर में जो डड़वालों की, ये सभी जितनी भी हैं ये बाद में जागीरें बनी गई थी 19वीं-20वीं सदी में, और इनके सभी जागीरदार जो राजा कहलाते हैं अपनी अपनी क्लास के, तो वो सभी इनको नजराना पेश करेंगे त्रिगाडा किंगडम को। तो उसके बाद फिर कटोच बरादरी द्वारा राज तिलक किया जाएगा और इनको 499 राजा के रूप में इनको सम्मानित किया जाएगा। फिर उसके बाद कांगड़ा किले में भोजन होगा। अगर किसी ने संपर्क करना है तो नीचे नंबर भी लिखा है, क्योंकि क्षत्रियों के राज में धर्म नहीं देखा जाता, हमारे लिए सभी लोग बराबर हैं, तो आप इनसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो, और जितने भी इतिहास चोर हैं वो भी आमंत्रित हैं। तो भाइयों पिछले दिनों ही, कुछ दिन पहले, इनकी ग्रीक्स के जो, क्योंकि राजा पोरस की जो लड़ाई हुई थी वो ग्रीक्स के जो राजा थे अलेक्जेंडर के साथ हुई थी, तो अलेक्जेंडर के जो भारत में अम्बेसडर है उनके साथ ये फ़ोटो देख सकते हो, जिसमें राजा पोरस के वंशज ने खुद बोला है कि माई एंसेस्टर, मतलब कि मेरे पूर्वज और साथ में फाइट कर रहे हैं, जो कि इनके दिल्ली में वास भी है, वहाँ पर इन दोनों की मुलाकात हुई थी। और आप देख सकते हो कि ग्रीक्स के जो एम्बेसडर है, ग्रीक्स की कंट्री ने भी ये घोषित कर रखा है कि राजा पोरस के वंशज ये ही हैं, इनके पास वंशावली है। अरब इतिहास चोरों को झटका लग गया कि जो अलेक्जेंडर वाले हैं वो भी राजा पोरस के वंशज कटोच राजपूतों को मानते हैं जो चंद्रवंशी हैं। इसके अलावा पाकिस्तान की ऑफिशियल गवर्नमेंट ने भी जो मुल्तान फोर्ट है उसको कटोचगढ़ फोर्ट कर रखा है, अभी उनका महल भी है, लेकिन इतिहास चोरों के पास कोई सबूत नहीं, ना उस टाइम का कोई महल है, लेकिन कांगड़ा महल बहुत पुराना है। अब इतिहास चोरों बताओ कोई प्रूफ है, कोई राजा है, कोई महल है, प्रूफ बताओ, जहाँ सरकार ने डिसाइड कर रखा है। भारत की छोड़ो, लड़ाई तो जेलम में हुई थी पाकिस्तान में, वहाँ की गवर्नमेंट कहती है कि मुल्तान फोर्ट कटोचगढ़ फोर्ट है, तुम अब किसका क्या बोलोगे, तुम मुझे ये बताओ। तो इतिहास चोरों थोड़ा दिमाग लगाओ, तब त्रिगाडा किंगडम होता था ना कि पंजाब होता था, बहुत पुरानी बात है, तब 3 राजधानियाँ थी, राजा सुशर्मा चंद्रा के डायरेक्ट वंश हैं ये राजधानी थी, तीसरी जो थी ये कांगड़ा में बच गई, लेकिन फिर भी पंजाब के एरिए तक इनकी रियासतें वगैरह होती थी। तो वो सभी आ रहे हैं त्रिगाडा किंगडम के और उनको नजराना पेश कर राजा बनाया जाएगा। तो भाइयों जो राजा पोरस के वंशज हैं जे ऐश्वर्या कटोच, इनकी जो माता रानी हैं, उनका जो माता रानी है वो जोधपुर रियासत से संबंध रखती हैं, वो जोधपुर की राजकुमारी हैं, जो कि जोधपुर के महाराजा की बहन भी हैं, तो जिनका नाम है चंद्रेश कुमारी कटोच। तो भाइयों जे 3 बार हिमाचल के धर्मशाला से MLA रही हैं और पूरे कांगड़ा ज़िले से MP भी रही हैं। इसके अलावा 2009 में ये जोधपुर से भी लोकसभा का चुनाव जीती हैं, मतलब हिमाचल के धर्मशाला कांगड़ा और राजस्थान के जोधपुर से चुनाव जीतते आई हैं। इसीलिए जो राजा साहब हैं पोरस के वंशज, वो ज़्यादातर अपने दिन जो हैं वो जोधपुर रियासत में ही बिताते हैं। तो सभी इतिहास चोर जरूर आएँ, साथ में जोधपुर वाले भी आ रहे हैं और पूरे देश के आ रहे हैं, हिमाचल पंजाब की सभी रियासतें आ रही हैं। तो सभी भाई वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।